ये तो इसकी विराज की थी। अब इसके बाद जो पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ वो बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिकेट के लेवल से देख लें, अगर आप उसको ईटा के लेवल से देख लें या इसी लो बेस आप देखें तो क्या होगा, अगर आपको कोई ये देखे यहाँ पे इसकी मोमेंटम क्या होगी तो फिर क्या करोगे, आपने वैसे भी वेलोसिटी पॉइंट की है उसके साथ आप उस ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कर दे और स्फीयर ले ले, यहां से आपका आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। अगर कोई आपसे कह दे कि इसकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो फिर आप क्या करोगे, एम जी एच। अब यहां पे देख ले, वहां पे तो ये चीजें मैंने डिस्कस ही नहीं की, हाँ से अभी मैं ये इसको मैं प्रोजेक्टाइल में किस तरह इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये एक पॉइंट बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं हाइट डिपेंड कर दूं प्रोजेक्ट के लिए, मैं हाइट डिपेंड करूं तो यहाँ पे मैं हाइट की वैल्यू पुट कर दिया तो ये एम जी इनटू एच यानी हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट है विच विल गिव अस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई आपसे कहते हैं कि यहाँ पे आप टोटल एनर्जी फाइंड कर तो फिर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच विल गिव अस टोटल एनर्जी। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट इट। अच्छा, ये तो इसकी एनर्जी के बारे में, मोमेंटम के बारे में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो वो ही पॉइंट्स जो के टेस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए लाजमी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे रोबियस अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डस दिस स्टेटमेंट मींस, v of y is equal to vx sin theta minus gd, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि v of y in finite velocity किस चीज के बराबर होगी, v i y जो आपने initial velocity इसको दी दे लेकिन minus gd, gd क्या है, ये एक force इस पे लग रहा है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स कितने टाइम के लिए इसके लग रहा है, अगर इस चीज को हम खत्म कर दो तो ये आप देखो इट विल बी कांस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, बट ये आप देखो ये जो नीचे आता है ना ये किस चीज की वजह से आता है, ये अगर मैं इसकी ये इसकी एक्चुअल पार्ट है लेकिन होना किस तरह का, इस तरह होना चाहिए है ना, तो ये कौन सी चीज है, ये वो फैक्टर है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, ये तो वेलोसिटी की बात हो गई, तो हाइट का हाइट के लिए रिलेशन है, नॉर्मली अगर हम इसको देख ले ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो हाइट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियली वेलोसिटी उसके स्क्वायर के लिए डिपेंड कर रहा है, दूसरा क्या है, हाइट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin स्क्वायर थीटा या स्क्वायर, और ये जो इनवर्स की प्रोपोर्शन डिवाइड बाय टू ये तो ये दोनों कांस्टेंट है, टू और डी ये दोनों कांस्टेंट है, तो आप देख ले अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, अगर हम वेलोसिटी को टू टाइम इंक्रीज करेंगे तो हाइट कितना ज्यादा होगा, फोर टाइम इंक्रीज होगा, इस तरह अगर हम उस एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले उसकी एंगल इस तरह फिर मैंने एंगल इस तरह, तो जितना हम एंगल को इंक्रीज कर ले जाएंगे उतना ही उसका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एक और कांसेप्ट है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बंदा या एक बिल्डिंग पे खड़ा है
और वो दो चीजों को फेंक रहा है. बट हियर द कंडीशन इज दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ बोथ इंक्रीज, वो दो चीजों को फेंक रहा है, एक फर्स्ट स्ट्रेट को फेंक रहा है और दूसरे को वो इस तरह फेंक रहा है, तो इन दोनों में किसकी या टाइम किसकी ज्यादा रहेगी या टाइम इस पे कितना रहेगा. तो अगर दोनों की वेलोसिटी चेंज हो, अगर इसकी वेलोसिटी को मैं v1 से और ये क्या है v2, अगर v1 इज नॉट इक्वल टू v2, दोनों एक दूसरे से अलग हो, तो अगर आप उसको जिस भी डायरेक्शन पे आप उसको फेंक दे तो टाइम अप्लाइड उस दोनों के सेम. और अगर कुछ इस तरह कर दूंगे कि यहाँ पे एक बंदा इसी बिल्डिंग पे खड़ा है और वो सेम वेलोसिटी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंक कर, तो फिर उसमें क्या होगा, टाइम अप्लाइड वो चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक चीज उसने इस डायरेक्शन में फेंक दी, दूसरी इस डायरेक्शन में, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल इस डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो दे रहा है वो सबके लिए सेम दे रहा है. अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो मैंने इस तरह की देख, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह करूं, तो किस चीज पे जितना है, किस डायरेक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा, किसकी बात ज्यादा हो. तो अगर मैं वेलोसिटी सेम रखूं और फिर मैं किसी चीज को किसी डायरेक्शन में फेंकता हूं और उसको प्रोजेक्टाइल मोशन देता हूं, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी तो उस केस में टाइम ऑफ दैट विल बी नॉट इक्वल फॉर द ऑल ट्रेजेक्टरीज आर फॉर ऑल द प्रोजेक्टाइल्स. बट अगर वेलोसिटी सेम ना, एक को आपने तेज फेंका, एक को आपने स्लो फेंका, यानी एक को आपने नॉर्मली फेंका और दूसरे